प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं लूनेश कुमार वर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछानपरी जिला रायपुर से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ विषय हिंदी को लेकर। प्यारे बच्चों, आज हम जिस पाठ को अध्ययन करने जा रहे हैं उस पाठ का शीर्षक है सुब्रह्मण्य भारती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांसें ले रहे हैं। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं, क्या क्या त्याग उन्होंने किया है, क्या क्या संघर्ष किया है, क्या क्या पीड़ाओं को उन्होंने झेला है, इसके विषय में हमें इस पाठ के माध्यम से कुछ जानकारियां प्राप्त होंगी। जैसा कि हम जानते हैं देश के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश के देशभक्तों ने अपने तेजस्वी भाषणों और नारों और विभिन्न आंदोलनों से जो विदेशी सत्ता अंग्रेजों की थी उस सत्ता को दहला दिया था, अर्थात उन्हें यहाँ देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। तो ऐसे करने वाले कौन थे और कैसे कैसे इन्होंने कार्य किया? तो विभिन्न नेता लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, मजदूर लोग थे, किसान लोग थे, व्यापारी लोग थे, विचारक लोग थे, साहित्यकार लोग थे। तो ऐसे ही भारत की स्वतंत्रता में अपने साहित्य के माध्यम से योगदान देने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी रहे हैं सुब्रह्मण्य भारती। देश के स्वाधीनता संग्राम में जहां कुछ देशभक्तों ने अपने तेजस्वी भाषणों नारों से विदेशी सत्ता का दिल दहलाया, वहीं कुछ ऐसे साहित्यकार भी थे जिन्होंने अपने काव्य बाणों से विपक्षी को आहत किया। विपक्षी अर्थात अंग्रेजों को, अंग्रेजों की सत्ता थी उस समय, तो इसलिए उन्हें आहत किया, उन्हें पीड़ा दिया। क्यों पीड़ा दिया? क्योंकि वे अंग्रेज जो थे वे भारत पर शासन करते थे और भारत के लोगों को वे गुलाम बनाकर रखे थे, गुलामों जैसा व्यवहार करते थे, तरह तरह की पीड़ाएं देते थे, इसलिए इनके विरुद्ध संघर्ष करना आवश्यक था। तो ऐसे साहित्यकार जो अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी काव्य रचना के माध्यम से अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया, उन साहित्यकारों की यदि बात करें तो हिंदी में मैथिली शरण गुप्त, सोहन लाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर आदि ने अपने काव्य रचनाओं से भारतीय नवयुवकों के मन में देश प्रेम के भाव भरे। देश प्रेम कहते हैं, ये देखिए यह एक सामासिक पद है, सामासिक पद है तो इसका हम समास विग्रह करते हैं। देश प्रेम का समास विग्रह होगा देश के लिए प्रेम, बिल्कुल सही, और यहां पर यह है चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो जैसे ये साहित्यकार हैं, इनके जैसे ही देश के अन्य भाषाओं में भी ऐसे देशभक्त कवि साहित्यकार हुए जिनकी रचनाओं ने अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिला दी। न केवल हिंदी के कवि, हम जानते हैं भारत की एक प्रमुख विशेषता भी है अनेकता में एकता। यहाँ विविध धर्म जाति के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। जब भारत के स्वतंत्रता की बात आती है तो केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने ही भारत को आज़ादी दिलाई, ऐसा नहीं है। भारत में जितने लोग रहते हैं, जितने धर्म जाति एवं भाषाओं के लोग हैं, इन सब ने अपना अपना योगदान दिया है। तो जैसे हिंदी के कवियों ने अपना योगदान दिया, वैसे ही भारत के अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, उन भाषाओं को बोलने वाले लोगों में जो साहित्यकार हुए हैं, उन लोगों ने भी वहां की भाषा एवं बोली में साहित्य रचना कर सामान्य जन को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तमिल भाषा के ऐसे ही कवि थे सुब्रह्मण्य भारती। उनके संदर्भ में, अर्थात सुब्रह्मण्य भारती के संदर्भ में विस्तृत जानकारी इस पाठ में हम प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं सुब्रह्मण्य भारती का परिचय, वे कौन थे और उन्होंने क्या कार्य किया, इसके विषय में हमें इस पाठ के माध्यम से बहुत सी जानकारियां प्राप्त होंगी। सुब्रह्मण्य भारती 20वीं सदी के महान तमिल कवि थे।
ध्यान दीजिएगा, भारत जो है अनेक प्रांतों से मिलकर बना हुआ देश है। ऐसे ही आप जैसे भारत के नक्शे में देख रहे हैं, ये तमिलनाडु आपको जहां दिखाई दे रहा है, यहां जिस भाषा का व्यवहार होता है उसका नाम है तमिल। तमिलनाडु के लोग तमिल भाषा बोलते हैं और विभिन्न भाषाओं में कवि लेखक हुए हैं। तो ऐसे ही तमिल भाषा में एक कवि हुए जिनका नाम है सुब्रह्मण्य भारती। सुब्रह्मण्य भारती का नाम भारत के आधुनिक इतिहास में एक उत्कट देशभक्त के रूप में लिया जाता है। उत्कट देशभक्त मतलब जिनके हृदय में देश के लिए प्रेम हो, उत्कट प्रेम हो, जीवंत प्रेम हो, अर्थात जो केवल जिनका चिंतन केवल और केवल देश के लिए हो, जो देश के लिए मरने मिटने के लिए सदैव तत्पर हो, देश के लोगों को देश की आजादी के लिए आंदोलन करने के लिए जो प्रेरित करने वाले हो, तो ऐसे कवि सुब्रह्मण्य भारती रहे हैं। कभी कभी प्रश्न उठता है, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तमिल कवि किसे कहते हैं? उत्तर क्या होगा? तमिल भाषा में कविता करने वाले कवि को तमिल कवि कहते हैं, अर्थात ऐसे कवि जो तमिल भाषा में रचना करते हैं, कविताएं लिखते हैं, वे कवि तमिल कवि कहलाते हैं। बिल्कुल सही। देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने जिस शस्त्र का प्रयोग किया वह शस्त्र था उनका लेखन, विशेषतया कविता। जैसे हम जानते हैं गांधी जी के विषय में, गांधी जी के विषय में आप जानते हैं, गांधी जी का शस्त्र था सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के माध्यम से देश के लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया और भारत को उन्होंने स्वतंत्रता दिलाया। तो जिस तरह से गांधी जी का हथियार था सत्य और अहिंसा, उसी तरह से सुब्रह्मण्य भारती का हथियार था, उनका शस्त्र था उनकी कविता। उनकी कविताओं ने तमिल वासियों को जागृत कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई बड़ा कार्य होता है तो उसमें कोई एक व्यक्ति ही बड़ा कार्य संपन्न नहीं कर पाता है, अपितु तो उसके लिए जन सहयोग की अपेक्षा होती है। ऐसे ही जब राम लंका जा रहे थे सीता माता को लाने के लिए, तब बीच में समुद्र आया। अब समुद्र को लांघना आवश्यक था, तो लांघने के लिए वानरों के सहयोग से समुद्र पर पुल बांधा जा रहा था। उस पुल निर्माण जब चल रहा था, वहां एक छोटी सी गिलहरी भी थी, वो भी अपना योगदान दे रही थी। कैसे योगदान दे रही थी? वो समुद्र में जाकर भीगती थी और भीगने के बाद तट पर आकर रेत पर लोटती थी। लोटने के बाद वो पुल में जाकर अपने पूंछ को झड़ाती थी, रेत को वहां झड़ाती थी। तो इस तरह से पुल बांधने में वो भी अपना योगदान दे रही थी। राम ने उस गिलहरी को देखकर उनसे पूछा था, अरे तुम ये क्या कर रही हो? तब उस गिलहरी ने जवाब दिया था, उत्तर दिया था, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार इस पुल निर्माण के कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो देखिए, जब भी कोई महान कार्य होता है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, जिसका जितना सामर्थ्य होता है उतना कार्य हमें करना चाहिए। तो सुब्रह्मण्य भारती कवि थे, तो कविताओं के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपना योगदान दिया। आइए इनका एक परिचय प्राप्त करते हैं पुनः। सुब्रह्मण्य भारती का जन्म आप भारत के नक्शे में देख रहे हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय परिवार में 11 दिसंबर सन 1882 को हुआ था। उनके पिता का नाम चेन्ना स्वामी अय्यर और माँ का नाम लक्ष्मी अम्माल था। जैसे हम सबके माता पिता के नाम होते हैं, वैसे ही सुब्रह्मण्य स्वामी के भी माता पिता के नाम इस प्रकार थे। बचपन में भारती को सुबैया कहकर पुकारा जाता था। जैसे हम सबका बचपन का नाम या कहें कि घर का नाम अलग होता है, विद्यालय का नाम अलग होता है। कभी किसी को राजू कहा जाता है, गुड्डू कहा जाता है, मुन्नी कहा जाता है, गुड़िया कहा जाता है, ये घर का नाम होता है। वैसे ही सुब्रह्मण्य भारती का बचपन का नाम सुबैया था।
अर्थात इन्हें घर में सुबैया कहा जाता था। बचपन से ही वे कविताएं लिखने और उनका पाठ करने के शौकीन थे। न केवल कविताएं लिखते थे अपितु कविताएं लिखते भी थे और दूसरों को अपनी कविताओं को सुनाते भी थे। तो ऐसे ही उनकी कविता पाठ की प्रसिद्धि एट्टयपुरम के राजा तक पहुंची। एट्टयपुरम के राजा ने 11 वर्षीय सुबैया को दरबार में कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित किया, मतलब उन्हें कविता पाठ करने के लिए बुलाया। राजा के दरबार में एकत्र हुए विख्यात कवि उनका कविता पाठ सुनकर दंग रह गए। देखिए यहां शब्द आया है विख्यात। विख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध। तो एट्टयपुरम के राजा का दरबार लगा हुआ था, वहां बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि आए थे, उनके सामने सुबैया को कविता पाठ करने के लिए अवसर दिया गया था। तो उन कवियों ने सुबैया का कविता पाठ सुना और सुनकर वे दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। अरे एक छोटा सा बच्चा, 11 साल का बच्चा सुबैया इतना सुंदर कविता लिखता है। और उनके इस कविता पाठ से पूरे कविगण तो प्रसिद्ध हुए हैं, साथ ही साथ राजा भी प्रसिद्ध हुए और उन्होंने उन्हें भारती की उपाधि से सुशोभित किया। इस तरह सुबैया सुब्रमण्य भारती के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक प्रश्न आता है, सुबैया को भारती की उपाधि से किसने सुशोभित किया? क्या होगा उत्तर? हाँ बिल्कुल सही, एट्टयपुरम के राजा ने सुबैया को भारती की उपाधि से सुशोभित किया। उसके बाद से सुबैया सुब्रमण्य भारती के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब सुबैया 14 वर्ष के थे तभी उनका विवाह हो गया था। उनकी पत्नी चिन्नमाल उस समय 7 वर्ष की थी। कुछ दिनों के बाद सुबैया के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। ध्यान दीजिएगा, सुबैया का विवाह जो है 14 वर्ष की उम्र में हो गया था। वास्तव में यह विवाह का उम्र नहीं है, इस समय विवाह नहीं होना चाहिए। विवाह का जो निर्धारित आयु है उसमें हमें विवाह करना चाहिए। उससे पहले यदि विवाह होता है तो ये बाल विवाह कहलाता है और बाल विवाह करना ये कानूनन अपराध है। तो समाज में यदि कहीं पर भी बाल विवाह होता हुआ आपको दिखाई देता है तो आपको इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि विवाह की जो निश्चित आयु है लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष, इस उम्र में उनका विवाह होना चाहिए। इससे पहले यदि किसी का विवाह होता है तो यह बाल विवाह है और बाल विवाह कानून की दृष्टि से दंडनीय अपराध है। प्रश्न आता है, बाल विवाह किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही, विवाह के लिए निर्धारित आयु से पहले किया जाने वाला विवाह बाल विवाह कहलाता है और यह बाल विवाह किया जाना यह दंडनीय अपराध है, भी मैंने बताया आपको। आगे देखते हैं, सन 1898 में भारती आगे पढ़ने के लिए वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, अपनी काकी के पास चले गए। स्वाभाविक रूप से देखिए, हम जहाँ रहते हैं जहाँ तक विद्यालय है वहाँ तक तो हम पढ़ पाते हैं, अपने गांव में अपने नगर में हमारे आसपास जो हम विद्यालय है वहाँ तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आगे की पढ़ाई करना होता है तब हमें अपना स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जहाँ पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो वहाँ जाना होता है। तो ऐसे ही बनारस में इनकी काकी रहती थी, उनके पास जाकर ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे। तो आगे की पढ़ाई के लिए काकी के पास गए। बनारस में उन्होंने अध्ययन करते हुए हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाएं सीखी। देखिए ये भाषाएं उन्होंने कहाँ सीखा, ये भाषाएं उन्होंने सीखा बनारस में। बनारस का विषय तो आपने सुना होगा, बनारस के 3 नाम प्रचलित हैं, इन्हें वाराणसी भी कहा जाता है, बनारस भी कहा जाता है और काशी भी कहा जाता है। बनारस भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है और यहाँ का विश्वनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। सुब्रमण्य भारती बनारस में रहकर अध्ययन किए। एक प्रश्न आ रहा है, सुब्रमण्य भारती कौन कौन सी भाषाएं जानते थे? क्या होगा उत्तर? हमने अभी चर्चा की थी, बिल्कुल सही, सुब्रमण्य भारती को
तमिल के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं की जानकारियां थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या कह सकते हैं? उत्तर हम लिख सकते हैं, सुब्रमण्य भारती को तमिल के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं की जानकारियां थीं। बनारस में रहते हुए भारती के व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आया। स्वाभाविक रूप से होता है, जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो उसके व्यक्तित्व से हम प्रभावित होते हैं, निश्चित रूप से, कम या अधिक हो सकता है, लेकिन जिनका व्यक्तित्व हमको बहुत अच्छा लगता है उससे हम बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। आपने सत्संग का तो नाम सुना है। ये सत्संग जो होता है, या कहें कि संगति होत कहते हैं, इस संगति के कारण व्यक्ति के व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन आता है, अर्थात बहुत अधिक परिवर्तन आता है। तो ऐसे ही जब सुब्रमण्य भारती बनारस में थे अध्ययन के लिए, तब वहाँ के वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित हुए, वहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए, वहाँ के लोगों में देश प्रेम की भावना को देखकर प्रभावित हुए, और इन सब की झलक उसके व्यक्तित्व में दिखने लगी। अब वहाँ के लोगों से प्रभावित होकर उन्होंने बड़ी बड़ी मूछें रख ली, मूछें तो रख ली, साथ ही साथ उनका जो पोशाक है उसमें परिवर्तन आया। वे सिर पर पगड़ी पहनने लगे, उनकी विचारधाराओं में भी महान परिवर्तन आया, सोच विचार में परिवर्तन आया। वहां रहते हुए उनके हृदय में उग्र राष्ट्रीयता के बीज के कारण उन्हें ब्रिटिश राज के बंधन में बंधे। आप देख रहे हैं किस तरह से ब्रिटिश जो है भारतीयों को सताते थे, पीड़ित करते थे। तो ब्रिटिश राज के बंधन में बंधे भारतीयों का दुख व उनकी पीड़ा महसूस होने लगे, अर्थात उनकी पीड़ा को वे अपने हृदय में अनुभव करने लगे। उन्हें लगता था कि ये अंग्रेज जो हैं, ये ब्रिटिश जो हैं, वो केवल भारतीयों को दुख नहीं दे रहे हैं अभी तो उन्हें भी दुख दे रहे हैं, ऐसा उन्हें प्रतीत होने लगा, ऐसा वे अनुभव करने लगे। अपने साथ देश प्रेम की भावना सुलगाए देशभक्त कवि भारती 4 वर्ष बाद बनारस से घर लौटे, अर्थात बनारस से अपने तमिलनाडु के लिए वापस आए। यहां पर देखिए, देश प्रेम ये सामासिक पद है, इसका समास विग्रह करते हैं। क्या होगा समास विग्रह? हाँ, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, यहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। एक प्रश्न आता है, देशभक्त किसे कहते हैं? आप सब जानते हैं, हाँ बताइए। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। जिसके हृदय में देश के लिए भक्ति होती है, जो अपने देश से प्रेम करता है, जो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए सदैव तत्पर होता है, उसे देशभक्त कहते हैं। हम सब में देशभक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहुत सुंदर, होनी चाहिए, क्योंकि देश भी क्या है? वो भी माता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये कहा गया है। जिसको मातृभूमि कहते हैं, इसके प्रति हमारी माता जैसा उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। उनकी रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, सुब्रमण्य भारती जब बनारस से तमिल आ गए, तब जीविका के लिए वे चेन्नई, जिन्हें उस समय मद्रास कहा जाता था, में प्रसिद्ध तमिल दैनिक स्वदेश मित्रण में सहायक संपादक की हैसियत से नौकरी करने लगे, और जिसके संपादक थे महान नेताजी सुब्रमण्य अय्यर। तो देखिए, ये स्वदेश मित्रण जो कह रहे हैं, ये क्या है? एक पत्रिका का नाम है। जैसे आज हम विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की बातें जानते हैं, कुछ पत्र पत्रिकाओं के नाम आप जानते हैं, जैसे हम कहते हैं दैनिक भास्कर कहते हैं, नव भारत कहते हैं, देश बंधु कहते हैं, हरी भूमि कहते हैं, नई दुनिया कहते हैं, इसी तरह से और भी बहुत से पत्र पत्रिकाएं जो हैं वे निरंतर निकलती हैं, और उनके माध्यम से हमें विविध समाचार प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही उस समय
तमिलनाडु में एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था स्वदेश मित्रण, और इस पत्रिका में वे सहायक संपादक के रूप में काम करते थे, नौकरी करते थे। और उस पत्रिका में वे अपने गीतों को भी लिखते थे, कविताओं को लिखा करते थे, और उन कविताओं और गीतों के माध्यम से लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित करने का महान कार्य करते थे। तो उस पत्रिका में छपे हुए अपने गीतों के माध्यम से भारतीय लोगों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना जगाने लगे। जंगल की आग की तरह फैलते फैलते ये गीत शीघ्र ही राज्य के अधिकतम व्यक्तियों के हृदय तक पहुंच गए। अर्थात इनके गीतों की लोकप्रियता, इनकी कविताओं की जो ओजस्वी वाणी थी, इसके कारण से लोग प्रेरित होते थे और आंदोलन के लिए प्रेरित हुए, आंदोलन के लिए कूद पड़ते थे। देखिए, केवल क्रांति जो है कहने से नहीं होता, करने से नहीं होता है, कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से भी क्रांति हुआ करती है। जैसे हम बोल सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, जब ये बात कहते हैं तो खून में एक उबाल आ जाता है। तो ऐसे ही उबाल तमिलनाडु के लोगों में सुब्रमण्य भारती के गीतों को पढ़कर सुनकर आ जाता था, और लोग जो है आंदोलन के लिए कूद पड़ते थे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सुब्रमण्य भारती के विषय में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की इस पाठ के माध्यम से, और साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि किस तरह से देश प्रेम की भावना विभिन्न वर्गों के लोगों में समाहित होती है। निश्चित रूप से हम में भी वही देश प्रेम की भावना जागृत होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अभी हमने जो अंश पढ़ा इसके आधार पर आइए कुछ गृह कार्य प्रश्न मैं आपको देना चाहता हूं, नोट करेंगे, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न लिखेंगे, सुबैया का नाम भारती कब और क्यों पड़ा? दूसरा प्रश्न लिखेंगे, बनारस में रहते हुए सुबैया के व्यक्तित्व में क्या क्या परिवर्तन आया? प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपने विषय शिक्षक से इसका परीक्षण कराएंगे। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि अभी हमने जिस तरह से सुब्रमण्य भारती का परिचय इस पाठ के माध्यम से प्राप्त किया, ऐसे ही आप जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र में भी कुछ क्रांतिकारी होंगे जिन्होंने देश की सेवा की है, जो देश के लिए कार्य किए, जो परोपकारी के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग होंगे, उनके विषय में आप जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो इन्हीं अपेक्षाओं के साथ नमस्कार।